मिर्जापुर पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। 45 लाख का 100 किलो अवैध गांजा पुलिस ने किया है बरामद। बिहार के दो और प्रयागराज के दो, कुल मिलाकर 4 तस्कर भी पुलिस ने किए हैं गिरफ्तार। विंध्याचल पुलिस को मुखबिरों से मिली जानकारी पर यह कामयाबी हासिल हुई है। एक बलोरो और एक कार में बोरों में भरकर ले जाया जा रहा था ये गांजा। बिहार प्रांत से गांजा लाकर मिर्जापुर, प्रयागराज सहित पड़ोसी जनपद में ये तस्कर गांजा बेचते थे। मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता करके इस घटना का किया खुलासा। आपको बता दें, मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस के द्वारा चलाई जा रही कार्रवाई में विंध्याचल की पुलिस और एसओजी को ज्वाइंट रूप से एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो और एक कार में बोरियों में रखे गए 100 किलोग्राम अवैध गांजे को विंध्याचल पुलिस ने बरामद किया। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अनुमानित कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है। 4 गांजा तस्करों को पकड़कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में गांजा बिहार राज्य से लाकर मिर्जापुर, प्रयागराज सहित अन्य पड़ोसी जनपदों में बेचा जाता था। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर ने पत्रकार वार्ता करके इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पकड़े गए 4 गांजा तस्कर में 2 बिहार के रहने वाले हैं, जबकि 2 अन्य प्रयागराज के कोराव के रहने वाले हैं। तस्करों के कब्जे से बोलेरो गाड़ी और कार के साथ ही मोबाइल और नकदी भी बरामद हुई है। और इस बारे में और इस गिरोह की शामिल अन्य सदस्यों के बारे में मिर्जापुर पुलिस की पूछताछ जारी है। ये जनपद में लगातार हम लोग अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, और इसी क्रम में आज एक थाना विंध्याचल और जो जनपद की एसओजी टीम है उसके द्वारा संयुक्त कार्रवाई में लगभग 50 लाख रुपए के मूल्य का 1 क्विंटल गांजा हम लोगों ने पकड़ा है। और इसमें 4 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। 2 इसमें से रहने वाले भगुआ जिले के हैं, बिहार के, और 2 लोग हैं थाना सुराव, जनपद प्रयागराज के हैं। ये पहले भी इस तरह का काम कर चुके हैं। इनके साथ 2 गाड़ियां भी, एक बोलेरो और एक बोलेनो गाड़ियां मिली हम लोगों को, जिसमें से कि ये माल को लेके जाते थे। बिहार के अलग अलग जनपदों से ये लोग कलेक्ट करते थे और उसके बाद प्रयागराज और उसके बगल के जनपदों में लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इन लोगों को पकड़ा गया है और इनकी सारी चीज़ें खंगाली जा रही हैं। बिहार में और इनके कितने लिंक्स हैं, प्रयाग में कितने लिंक्स हैं, पहले इन लोगों ने कितनी घटनाएँ की हैं, सारी चीज़ें खंगाली जा रही हैं और उसी हिसाब से इनके खिलाफ प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की। यूपी न्यूज 9 के लिए मिर्जापुर से राजू भारती की रिपोर्ट।